पंजाब नेशनल बैंक सर्कल हमीरपुर देश में पांचवें व राज्य में पहले स्थान पर काबिज हो गया है। बैंक ने अभी तक 208 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर लिया है। बैंक मुद्रा लोन में भी नंबर वन पर चल रहा है। मंडल प्रमुख सुबोध काला ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक पेपरलेस पिन कोड जारी करने वाला बैंक बन गया है। उपभोक्ता खुद एटीएम में जाकर अपनी मर्जी का पिन कोड जारी कर सकते हैं। बैंक जल्द ही उपभोक्ताओं को हर माह की अंतिम तारीख तक कैश ट्रांजेक्शन की मिनी स्टेटमेंट ईमेल पर जारी करेगा, ताकि उपभोक्ताओं को बार बार बैंक के चक्कर न काटने पड़े। इसके लिए उपभोक्ताओं को अपनी अपनी बैंक शाखाओं में पत्र देना होगा। सुबोध काला ने कहा कि हमीरपुर, ऊना व बिलासपुर जिला में 10 BNA मशीनें फिट की गई हैं। उत्तक ATM में उपभोक्ता पैसे निकाल व जमा करवा सकते हैं। 3 जिलों में बैंक की 70 ATM काम कर रहे हैं। बैंक की 94 शाखाएं वर्तमान में 3 जिलों में चल रही हैं, जिसमें 17,150 करोड़ रुपए का कारोबार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि बैंक ने हनोग, द्रोगन, धनोट व सनौली गांवों को गोद लिया हुआ है, जिसमें इनमें मूलभूत सुविधाएं जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। इनमें सोलर लाइटें भी लगाई जा रही हैं। अभी तक 20 सोलर लाइटें गांवों में लगाई जा चुकी है। इसके अलावा गांव के BPL परिवार व अन्य जरूरतमंद परिवार के बच्चों को स्कूल बैग व स्कॉलरशिप मुहैया करवाई जा रही है। इनमें लड़कों को 2500 रुपए व लड़कियों को 3500 रुपए स्कॉलरशिप दी जा रही है। इसके अलावा लाडली योजना में लड़कियों को 1200 रुपए वार्षिक दिया जा रहा है। 3 जिलों में 560 लड़कियों को योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक की भीम ऐप की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का 12,88,000 उपभोक्ता लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा हर माह की 10 तारीख को बैंकों में डिजिटल डे मनाया जा रहा है, जिसमें बैंक में उपस्थित उपभोक्ताओं को ATM, क्रेडिट कार्ड व ऑनलाइन बैंकिंग इत्यादि की जानकारी दी जा रही है। पंजाब नेशनल बैंक समय समय पर लोगों की डिमांड पर दान भी कर रही है। हाल ही में बसड्डा हमीरपुर को एक कूलर व पंखे भेंट किए गए हैं, ताकि गर्मियों में यात्रियों को इसका लाभ मिल सके। 70 ATMs हमारे हैं और 10 BNAs हैं। BNAs का मतलब हो गया बल्क नोट एक्सेप्टर। ये एक बहुत ही आधुनिक मशीन है और वो मशीन है जिसमें पैसा निकलता ही नहीं है, इसमें पैसा आप जमा भी करा सकते हैं। इसमें जो आम जो BNA बल्क नोट एक्सेप्टर, इसमें पैसा जमा भी कर सकते हैं, ग्राहक खुद ही पैसा नंबर है। और इनको आगे आने 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 वाले समय में हम इनकी जो संख्या है वो बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों को कैशियर के पास जाने की जरूरत ना पड़े, वो अपने आप अपना पैसा इन मशीन के द्वारा अपने खाते में जमा करा सकते हैं। और इन खातों में, इन मशीनों में जिस तरह ATM में फैसिलिटी है, वो सारी फैसिलिटीज इन मशीनों में भी है। इसमें एक खाते से दूसरे खाते ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और इसमें ग्रीन पिन की भी फैसिलिटी है। ग्रीन पिन का मतलब हो गया, किसी को अगर नया ATM कार्ड मिल गया है तो वो अपने आप उस ATM कार्ड का पिन भी जनरेट कर सकता है। पहले आपको पता था कि पहले वो प्रिंटेड पिन आता था हर एक बैंक में, वो प्रिंटेड पिन भी अब खत्म हो गया है, अब पेपरलेस हो गया है। अब जो मोबाइल हमारे ग्राहक का हमारे बैंक में रजिस्टर्ड है, उस मोबाइल के थ्रू OTP आ जाता है, और वो OTP अगर उस मशीन में वो एंटर कर देगा तो वो पिन वो अपने आप अपना पिन फिक्स कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक पूरा रिवैम्पिंग कर रहा है, जिसके अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक हर फील्ड के अंदर चाहता है कि हम अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, हमारे एम्प्लॉइज अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। उसके अंदर जो हमारे फोकस एरिया है, जैसे पी से परिवर्तन को पूरा अल्फाबेटिकली एक्सप्लेन किया गया है, पी से प्रॉफिट से लेकर एन से लेकर न्यू रिलेशनशिप को ऐड करना, उसमें विजिलेंस भी है, उसके अंदर रिकवरी प्रोसेस भी है, उसके अंदर हमारे न्यू अकाउंट्स को एसेट्स क्वालिटी को इम्प्रूव करना भी है। सारे हमने अल्फाबेट्स को बना के हर एक अल्फाबेट्स के साथ उसका मीनिंग जोड़ा हुआ है। बैंक के जितने भी एम्प्लॉइज हैं और जितने भी हमारे लगभग 7,000 शाखाओं में काम कर रहे हैं, उन सबको मिशन परिवर्तन से जोड़कर उनका फोकस निकालना है कि पंजाब नेशनल बैंक इस परिवर्तन मिशन को आगे लेकर चले।